हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड वेजिस में। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा। ठंड का मौसम हो और लिट्टी चोखा मिल जाए तो खाने में मज़ा ही आ जाए। आज मैंने दो तरह से लिट्टी चोखा बनाना सिखाया है, एक कुकर में और एक तवे में। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। आज हम लिट्टी चोखा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम बैंगन का भरता तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा साइज का बैंगन लिए हैं, एकदम ये सॉफ्ट बैंगन है, और ये चार टमाटर है। बैंगन को हम पहले इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से इसे देख लेंगे कि अंदर कुछ कीड़ा तो नहीं है। चार पांच चीरा लगाएंगे और इस तरह से करके देख लेंगे, क्योंकि बैंगन में बहुत कीड़े निकलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मल देंगे। और इसी तरह टमाटर में भी तेल डाल करके इस तरह से इसे मल देंगे। अब हम इसे भूनेंगे। गैस जला के एक इसमें जाली रख देंगे और जाली रख करके इस तरह से बैगन रख करके इसे चारों तरफ से इसे पका लेंगे। जब तक हमारा बैगन और टमाटर इस तरह से पक रहा है, तब तक हम लिट्टी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए हम 2 कप आटा लेंगे, आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे, क्रश करके डालेंगे, और 3 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और इसे मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार करेंगे। डो एकदम सॉफ्ट भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा जितना रोटी के लिए जैसा आटा आप गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त रहेगा। इस तरह से एक एकदम सख्त डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ना गीला है ना ज़्यादा कड़ा है, बस एकदम परफेक्ट आटा ये गूंथ कर तैयार हुआ है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक देख लेते हैं मेरा टमाटर भुना कि नहीं। बैगन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए, चारों तरफ से इस तरह से दबाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ से पक गया है। और इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी में अब हम टमाटर को भी पका लेते हैं। और जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, हम लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप सत्तू लेंगे। अब इसमें 2 छोटे साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें लहसुन, जिसे मैंने बारीक काटा है, इसे भी डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक ले रहे हैं और 1 चम्मच हरी मिर्च, और इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच अजवाइन, इसे हम क्रश करके डालेंगे, और 1/4 चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे, और 2 चम्मच सरसों का तेल। इसमें सरसों का ही तेल डालेंगे, जिससे स्वाद अच्छा होता है, और कोई तेल का स्वाद इसमें अच्छा नहीं होता है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसे मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिलाएंगे। देखिए, सत्तू भी हमारा मिल गया है। इसे इतना पानी डालेंगे कि इसमें अच्छी तरह से इस तरह से बाइंडिंग आ जाए। इस तरह से ज़्यादा गीला इसे नहीं करेंगे और ज़्यादा सूखा भी नहीं रखेंगे, नहीं तो लिट्टी फट जाएगा। बस इसी तरह इसे बनाना है।
बैंगन टमाटर पक गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब इसका हम छिलका इस तरह से उतार लेंगे। तेल लगा कर भूनने से इसका छिलका जो है आसानी से निकल जाता है। इस तरह से सारे छिलके को निकाल लेंगे। बैंगन टमाटर अच्छी तरह से इसे छील लिए हैं और इसे मसल लिए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें चार बड़े आलू जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे मसल लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और इसमें एक प्याज जिसे मैंने बारीक काटा है, इसे भी डालेंगे। एक चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन और स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा इसमें धनिया का पत्ता डाल करके अब इसे मिला लेंगे। इस तरह से सभी को मिक्स कर देंगे। हमारा बैंगन टमाटर आलू का भरता बनकर तैयार है। अब हम धनिया पत्ता का थोड़ा चटनी बनाएंगे। धनिया पत्ता चटनी बनाने के लिए इसमें हम धनिया पत्ता लेंगे, आधा चम्मच इसमें लहसुन डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक जिसे बारीक काट लिए हैं इसे भी डाल देंगे, दो हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और ये दो टमाटर हैं जिसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है और इसे भी इसमें डाल देंगे और डालकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारा चटनी बनकर तैयार है। अब हम आपको दो तरह से लिट्टी बनाकर बताएंगे। 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसे एक बार और हम इसे गूंथ लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के अब हम इसका लोई बना लेंगे। इस तरह से पहले बना लेंगे। इस तरह से बना करके इसे हल्का सा सूखा आटा में इसे लपेट देंगे और इसका एक इस तरह से कटोरी बना लेंगे। देखिए इस तरह से कटोरी बना लेंगे और अब हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह से इसको दबाते हुए इसे मोड़ते जाएंगे और ऊपर से जो आटा बच रहा है इसे इस तरह से हम निकाल देंगे और इसे इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले हम कुकर में बनाएंगे। ये कुकर हमारा गरम हो गया है और इसमें आधा चम्मच जितना तेल डालेंगे और एक टिश्यू पेपर लेके इसे पोंछ देंगे। लिट्टी जो भर के रखे हैं इसे एक एक करके डाल देंगे और आँच को एकदम मीडियम रखेंगे और ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे और सीटी बाहर रखेंगे। 2 मिनट हो गया है, देखिए खोलते हैं और इसे इस तरह से इसे हिलाएंगे। ऐसे हिला के इसे दूसरे साइड से भी पकने देंगे और 2 मिनट के लिए फिर इसे बंद कर देंगे। जब तक वो कुकर में पक रहा है तब तक हम दूसरा तरह से आपको बनाना बताते हैं। उसके लिए छोटा छोटा लोई लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा एकदम लोई लेंगे। इसका अब हम एक कटोरा बना लेंगे। इसी तरह बाकी लोई भी बना लेंगे और बीच बीच में कुकर को इस तरह हिलाते हुए लिट्टी को पकाएंगे। अब कुकर को बंद नहीं करेंगे, इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा कर लिट्टी को हम पका लेंगे। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के चारों ओर सेक लेंगे। कितना अच्छा लिट्टी सिक कर तैयार हुआ है। अब हम दूसरे तरह से आपको लिट्टी बनाना बताते हैं। इस तरह से छोटा छोटा लोई बना कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बेलेंगे। इसे हल्का सा सूखा आटा लपेट के, इसे एकदम बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा इसे बेलना है। बस इसी तरह इसको बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मोटा भी नहीं, बस इस तरह से सभी बेलेंगे। इस तरह से सारे लिट्टी को बेल लेंगे
तवा हमारा गरम हो गया है, अब इसे हम सेकेंगे। इसे मीडियम आंच में सेकेंगे, ये एक तरफ से सिक गया है, अब इसे पलट देंगे। ये दोनों साइड से सिक गया है, अब इसे हटा देंगे और एक जाली रखेंगे और जाली में धीमी आंच में इसे पलट पलट कर सेकेंगे। कुकर में सेकना या इसी तरह आग में सेकना मुश्किल लगता हो, वो इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल वो गोल लिट्टी का ही स्वाद इसमें आएगा। इसी तरह सारे लिट्टी को सेक लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये आपको कैसा लगा।